नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं पटना के पारस हॉस्पिटल। क्यों? ओसामा साहब से मुलाकात हुई है, हिना साहब का हालचाल लेने पहुंचे हैं। आपको पता है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी है हिना साहब, उनकी तबीयत कुछ दिनों पहले इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी देर रात को पहुंचे थे। तेजप्रताप यादव भी उस वक्त मौजूद थे और लगभग एक दर्जन आरजेडी के विधायक भी उस वक्त मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में ओसामा साहब से बातचीत हुई, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, डॉक्टर से भी बातचीत हुई और कई घंटों तक मुलाकात भी हुई है। और आज चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुँचे हैं पटना के पारस हॉस्पिटल में। तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे, उन्होंने भी ओसामा साहब से मुलाकात की है। LJP के प्रवक्ता भी उस वक्त मौजूद थे, तस्वीरों में आप देख सकते होंगे। यानी कि ओसामा साहब खुद अपने से चिराग पासवान को फिर बाहर गाड़ी तक छोड़ने आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेल मुलाकात हो रही है। और इसे हम मेल मुलाकात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, जब चेहरों की बात होती है, भविष्य के चेहरों की बात होती है, तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का नाम तो काफ़ी प्रमुखता से लिया आता है। लेकिन ओसामा साहब को लेकर भी चर्चाएं बीच में होने लगी थी कि ओसामा साहब क्या खफा है, नाराज़ है। लेकिन नहीं, जो युवाओं में आपसी प्रेम और लगाव है, भले ही पार्टियाँ अलग अलग हों, ओसामा साहब अभी भी कहते हैं कि वो RJD के साथ ही हैं, उनका जो कुनबा है वो RJD के साथ है। लेकिन ऐसे में अब चिराग पासवान भी पहुंचे हैं ओसामा साहब से मिलने। कैसी तबीयत है उनकी माँ की, ये हालचाल जाना है उनसे। और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी देर रात को पहुंचे थे, जब RJD विधायक दल की बैठक खत्म हुई उसके बाद वो अचानक अपने सभी विधायकों के साथ पारस हॉस्पिटल पहुँच गए। हिना साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी और थोड़ी डिप्रेशन की भी बात सामने निकल कर आई थी। डॉक्टर्स ने प्रथम चरण के इलाज के बाद जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक तमाम परेशानियों से हिना साहब गुजर रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर है, जैसी जानकारी मिल रही है। और चिराग पासवान, तेजस्वी यादव की ओसामा साहब से मुलाकात, वार्तालाप, आप समझ सकते हैं भविष्य की रणनीतियाँ बनेंगी आगे चलकर। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ ये औपचारिक मुलाकात ही है। हालचाल जानने के लिए ओसामा साहब से मुलाकात हुई है, हालचाल जानने के लिए पहुँचे थे चिराग पासवान, और उनका आशीर्वाद यात्रा भी पूरे बिहार में चल रहा है। आज फिर से वो पटना पहुंचे हैं, अब आगे भी आशीर्वाद यात्रा वो निकालेंगे। तमाम तस्वीरों से तो हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन देखिए, ओसामा साहब के बारे में कहता है, अगर अभी भी सिवान की तरफ चले जाएं या सोशल मीडिया पर रहते होंगे तो उनके काफ़ी फ़ैन फॉलोअर्स हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या जितने जो युवा वर्ग के नेता हैं वो एक साथ आएंगे? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के तो साथ आने की बातें होती हैं, अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल कयासों पर हम इसलिए मोहर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जब तक ये दोनों नेता खुलकर ना कह दें, साथ कहीं मिल ना लें, तो फिर कयास लगाना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान की मुलाकात हुई है ओसामा साहब से, तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं एक नई जो तस्वीर है, नई पीढ़ी की, नई राजनीति की, बिहार की बदलती हुई तस्वीर ये अब दिखने लगी है। क्या साथ आगे चलकर काम भी करेंगे, फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हालचाल जानने के लिए, तबीयत जानने के लिए उनकी माँ का कैसी है तबीयत, हिना साहब की, हर कोई जाना चाहता है। हिना साहब के बारे में भी सिवान के लोग जाना चाहते हैं, तो ये तमाम जो बातें हैं वो निकल के आती हैं। बहरहाल, आप लाइवसीज से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइवसीज को फॉलो करें। धन्यवाद।